Hey guys, I welcome back to the Pokemon Dark Rising version. जहाँ पे गए थे पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने चैलेंज किया था सर मेडास को। तो यहाँ पर हमारी हीलिंग तो कम है, बट आपको तो पता ही है कि ऊपर की तरफ हम एक यहाँ पर कह सकते हो कि हीलिंग मशीन मिलने वाली है, यानी कि हमारा पीसी तारिया के यहाँ पे कह सकते हो कि मेहरबानी की वजह से हमें जो है यहाँ पे कई जगह ट्रांसपोर्ट करके ये पीसी मिलने वाला है। सो जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपनी हीलिंग जो है वो कंप्लीट करा दी है थ्रू दी पीसी। सो आज हम चैलेंज करने के लिए जाने वाले हैं। ओ सर नेरो है आज। ओके, तो इस बैटल के लिए भी मैं यहाँ पर थंबनेल खींच के और रेडी रहता हूँ। इस बैटल के लिए ना क्या करते हैं गाइस, यार अपने चैंप को ना फर्स्ट पे ला देते हैं। देखते हैं यार ये बैटल अभी चैंप को नहीं, यार मार्शल किसको रखे यार। ओके जो चलो यार गाइस, यार बोल्ट के साथ चले जाता हूँ मैं। हमने इस मतलब इस कैसल्ट को इस डंजन में हमारे लॉर्ड डारुगिस के सील्ड चेम्बर पर बनाया है ताकि वो फ्री हो पाए और वो सब चैंप को होस्ट कर सके। वी आयरोनिकल ने अभी और ब्लैक ने हमारी गोल को अचीव करने में मदद करी थी, ऑल फॉर एन एरा जब मैं पैदा हुआ था। मैं देखना चाहूँगा आगे की तरफ, तुम्हारा दोस्त वो बेयरली मेरे हाथों से मरने वाला है। ऑन माई लाइफ मेरे पावर के साथ मैं तुम्हें भी क्रश कर देता हूँ। ओके गाइस यार, हियर वी गो, ध्रुति गेमा वर्सेस दी डार्क नाइट सर नेरो। तो जी हाँ गाइज यार, आज हम लोगों का एक और कह सकते हो कि डेड फुल बैटल होने के लिए जाने वाला है। तो थंडर के साथ मैंने यहाँ पे शुरुआत कर दी है, ऑल दो होपफुली ये इसे डाउन करने में काम आए। ओके सो ये जा रहा है विद दी ड्रेको मीटियोर, और ये ड्रेको मीटियोर जो है गाइज यार कह सकते हो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव्स ऑफ ऑल द ड्रैगन मूव्स। यस, सबसे बेहतरीन जो है वो यही मूव है, बट इसकी एक ही जो है वो वीकनेस है कि ये यहाँ पर कह सकते हो कि हिट होता है रिकॉइल के साथ। तो जी हाँ गाइजर, यहाँ पर अपने बोल्ट की मदद से हम लोगों ने हाइड्रीगॉन को जो है गाइजर यहाँ पर अभी डाउन कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बैटल था ये। और नेक्स्ट अप इज द डैरा मैनिटन। सो डैरा मैनिटन के खिलाफ ना मैं यहाँ पर अपने मार्शल को लेकर आ जाता हूँ, क्योंकि गाइजर आपको तो पता ही है मार्शल एंड डैरा मैनिटन। ओ तो ये फॉर्म है डैरा मैनिटन का। तो चलो यार, इसकी मुझे इतनी टेंशन नहीं है, थी नहीं बट अब होगी, क्योंकि यार एक ही डबल एस से अपना यहाँ पर ये डाउन हो चुका है। सो क्यों ना यहाँ पर मैं अपने चैंप को ही लेकर आ जाता हूँ, अर्थक्वेक के साथ जाते हैं। होपफुली चैंप अपने फर्स्ट ये अर्थक्वेक पर ही यहाँ पर इस बैटल को डन एंड डस्टेड करा दे, दैट्स इट। तो जी हाँ गाइस यार, यहाँ पर अभी डैरा मैनिटाइन भी जो है वो अभी डाउन हो चुका है। ऑल्दो द थर्ड वन इज द केल्डियो। ओके सो ये इसका शायद मेन पोकेमॉन यानी कि एक लेजेंडरी टाइप में से हो सकता है, बट शायद एक और इसके पास हो सकता है जो मेन कह सकते हो कि एक और पोकेमॉन हो सकता है इसके पास, मुझे उसके लिए भी रेडी रहना होगा। ओके उसने आइस विंड दे दी है हमें, एंड अरे यार अच्छा खासा हम लोगों को ये डैमेज तो दे दिया था इसने, बट क्यों ना गाइज यहाँ पर अभी मैं चले जाता हूँ। अरे यार दैट्स इट, तो बोल्ट की मदद से यहाँ पर मैंने इस केल्डियो को भी गाइजर डाउन कर दिया है, मेटाग्रॉस एम। सो ये शायद पोकेमॉन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह सकते हो कि खतरनाक होने वाला है, मेटाग्रॉस एम। तो टोटल तीन पोकेमॉन मैंने उसके डाउन कर दिए हैं। ऑल दो ये तो शायद नॉर्मल वाला ही है, बस ने अपना इसको शायद एम करके नाम दे दिया हो, बट हम लोगों ने यहाँ पर गाइज यार फ्लेम थ्रोवर दे दिया है यहाँ पे। ओके देखते हैं ये कितना डैमेज करता है। अरे यार काफ़ी अच्छा डैमेज दिया था, बट नहीं यार। सो क्यों ना अभी ना मैं यहाँ पर अपने बोल्ट की जो है वो पूरी की पूरी हीलिंग डन करा देता हूँ, क्योंकि साइकी की मदद से। सो चलो यार यहाँ पर अभी ना हम लोग मेटा को लेकर आ जाते हैं। कौन सा मूव दे दे यार, मीटियो मैच के साथ चल कर देख लेते हैं यार, देखते हैं कि एक स्टील टाइप मूव्स कैसे वर्क होता है या फिर नहीं। अरे शिट, ये बैटल अभी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट बन चुका है। एक बाइट तो दे दिया है मैंने, दैट्स इट। चलो यार अच्छी बात थी कि हम लोगों ने यहाँ पे मेटाग्रॉस को भी डाउन कर दिया। सो लास्ट पोकेमॉन है दी रेची की गैस, मतलब इसका ही आना बाकी था शायद इस बैटल में, सब लोग आ चुके थे सो बस यही पोकेमॉन बचा था गाइज। तो इसको भी जो है हम लोग यहाँ दे देना, अभी इसे डाउन करना ना मेरे लिए जो है वो गाइजर सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली है, क्योंकि गाइजर बस अभी देखने वाली ये बात होगी कि हम लोग इसे कैसे डाउन करते हैं, दैट्स इट।
तो चलो गाइस यार, यहाँ पर अभी ये लास्ट पोकेमोन है इलेक्ट्रोस, इसको भी हम लोगों ने आसानी से अपने मेटा की मदद से यहाँ पर डाउन कर दिया है। तो जी हाँ गाइस यार, हमने हरा दिया सर नेरो को, नहीं वो कैल्डियो, बट कैसे 10,000 हमारी अर्निंग हुई यहाँ पे। क्या तुम प्रिपेयर्ड हो वर्स्ट के लिए? तुम्हें तैयार भी रहना चाहिए, आगे जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ओके गाइस यार, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज गाइस यार लाइक का बटन जो है वो दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे गाइस यार फॉलो कीजिएगा, मेरी सोशल मीडिया के लिंक आर इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो गाइस यार, मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा।